छठे चरण के लिए कल होगा मतदान। 10 जिलों के 57 सीटों पर होगी वोटिंग। 3 मार्च को कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। आज पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे पीएम। आज सोनभद्र के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सोनभद्र गाजीपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज सीएम योगी की धुआंधार रैली। मऊ और आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। मऊ और आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। जौनपुर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनावी दौरा आज। अखिलेश अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। जौनपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पूर्वांचल को साधने के लिए गठबंधन की होगी बड़ी रैली। 3 मार्च को वाराणसी में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और जयंत चौधरी रैली में होंगे शामिल। सपा गठबंधन के सभी दलों के नेता भी रहेंगे मौजूद। कुशीनगर में सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला। हमले के दौरान कई गाड़ियों के शीशे टूटे। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाए हमले के आरोप। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले के बाद बवाल। बीजेपी कार्यकर्ता और संघमित्रा के बीच नोकझोंक। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले के बाद मौके पर पहुंची थी संघमित्रा मौर्य। बलिया से पूर्वांचल में 6वें चरण के देर शाम 6 बजे प्रचार प्रसार खत्म हो गया। बलिया में उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने रोड शो किया। अनुराग ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर के पक्ष में रोड शो किया और जनता से आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद के पिपराइच विधानसभा में सपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बेईमानी और भ्रष्टाचार सपा का संस्कार रहा है। बलिया में अखिलेश यादव की विशाल जनसभा, कहा जोश उत्साह बता रहा है बीजेपी साफ होगी। बीजेपी ने लोगों को छला है और ये चुनाव छलिया बनाम बलिया है। बलिया में राजनाथ सिंह की जनसभा, कहा कि अब यूपी में बुआ बबुआ नहीं होगा, सिर्फ बाबा ही चलेंगे। आगरा में शाहजहां के उर्स में सजदा करने जा रहे लोगों के बीच एक युवक ने अचानक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। युवक की इस हरकत पर वहां मौजूद पर्यटकों ने उसकी जमकर पिटाई कर सीआईएसएफ के हवाले कर दिया। पोलैंड से रवाना होने वाली पहली फ्लाइट में भारतीय स्टूडेंट्स को पहुंचाया गया। यहां उन्हें सभी सहायता भारत सरकार के मंत्री वीके सिंह मुहैया करा रहे हैं। स्टूडेंट्स से बातचीत करके उनको आश्वस्त भी कर रहे हैं और सुरक्षित महसूस भी करवा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत लालकुआ पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की समीक्षा बैठक। हरीश रावत ने पदाधिकारियों के साथ चुनाव पर चर्चा करते हुए समीक्षा की है और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाए जाने पर पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निष्ठावान तरीके से चुनाव लड़ाया है। वहीं चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड सहित 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। आगे हरीश रावत ने कहा कि 60 पार सीटें लाएंगे तब जनता कहेगी, अब की बार भाजपा को करेंगे तड़ीपार। वहीं हरीश रावत ने कहा कि हम पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में जनता जनार्दन के सहयोग से कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली दौरे की खबरों से प्रदेश में सियासी पारा गर्म हुआ। हल्द्वानी के रेलवे बाजार स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया।
यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमला आज सातवें दिन भी लगातार जारी। रूसी फोर्सेस ने राजधानी कीव के टीवी टावर पर मिसाइल अटैक किया और इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। रूस ने यहूदियों के नरसंहार की याद में बनाए गए बेबिन यार होलोकॉस्ट मेमोरियल सेंटर पर भी हवाई हमला किया है। यूक्रेन और रूस युद्ध में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। खार्किव में रूसी बमबारी में भारतीय छात्र ने गवाई जान। कर्नाटक का रहने वाला था छात्र। नवीन शेखरप्पा ज्ञानकोड़ा के पिता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 3 दिन में अपने बेटे का शव वापस लाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि जब प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया तो मैंने उनसे कहा कि मेरे बेटे का शव भारत वापस लाओ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संबोधन किया और कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है।